रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआए अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए, आमीन या रब। आज मैं एक ऐसी वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आप सबकी डिमांड है। काफी टाइम से जब से मैं इस घर में आई हूँ, आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज आप हमें होम टूर दें। तो आज फाइनली मैंने कहा कि आप सबको होम टूर देती हूँ। मैंने इसलिए लेट किया क्योंकि मेरी काफी सारी जो चीजें हैं ना वो मुकम्मल नहीं हो रही थी। आराम आराम से चीजें मेरे घर में आ रही थी, जैसे कि अभी करता है ना, अभी रहते हैं वो पूरे घर में वो अभी नहीं लगे। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे सारा मेरा घर कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आप सबको एक ही दफा में होम टूर दूंगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरी रह रही हैं अभी तक नहीं कंप्लीट हो रही, तो फिर मैंने कहा ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो खैर जैसा भी है, तो अभी मैं आप सबको होम टूर दे देती हूँ। तो आप सबके प्यार और आप सबकी कमेंट्स की बदौलत आज मैं होम टूर की वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे घर का मेन डोर है। जैसे हम यहाँ से एंटर होते हैं, ये देखें ये वाला एरिया है। यहाँ पर मैंने एक प्लांट रख दिया। फिलहाल रखना मुझे यहाँ पर शूज रैक था। शूज रैक हमने लिया भी, ऑर्डर भी किया था। तो हुआ कुछ यूं के ऑर्डर करने के बाद मैंने किया था व्हाइट कलर में और वो आ गया ब्राउन कलर में। अभी हमारे घर के बाहर इधर पड़ा हुआ, तो हमने उन्हें कहा कि आकर ले जाए, मुझे ब्राउन में नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट में चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं रखा, शायद एक दो दिनों तक आ जाएगा। तो खैर ये वाली जगह मैंने आप सबको दिखा दी, ये देखें। और बिल्कुल मेन डोर के साथ ये देखें, ये हमारा लिविंग रूम है जो कि आप सबने देखा हुआ है कि ये लिविंग रूम है। और मैंने स्टार्ट में यहाँ पर बखूर जला दिया था अच्छी वाइब्स के लिए। और ये देखें अभी मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ। अच्छा, काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर रह गई हैं। मुझे कुछ पुरानी आयात हैं वो मुझे लगानी है। इसके अलावा यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कर्टन, क्योंकि बहुत जरूरी है, वो भी मैं अभी नहीं लगा पा रही। तो खैर इंशाल्लाह आराम आराम से हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि रमजान से पहले पहले ना ये हमारी सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, मेन डोर के साथ अभी मैंने आप सबको दिखाया कि हमारा मेन डोर है, यहाँ से अभी हम एंटर होते हैं। ये देखें ये वाला हमारा रूम है और हमारा लिविंग रूम कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर से, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बस सिर्फ कमी है अभी कर्टन की और कुछ पुरानी आयात है जो हमने लगानी है, वो इंशाल्लाह आराम आराम से वो भी हम कम्प्लीट कर लेंगे। मेन डोर से ये वाला मैंने आप सबको दिखा दिया। अच्छा, ये वाला दरवाजा पहले खुला हुआ था तो अभी मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा फिर मैं आप सबको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ का जो सेटअप है ना सऊदी अरब का, वो भी मैं आप सबको बताती चलूँ। सऊदियों का जो घर का सेटअप है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपके घर पे मेल गेस्ट आते हैं तो मेन डोर के, जैसे ये मेन डोर के साथ ये वाला रूम जो है, यानी इस रूम में आदमियों को बिठाते हैं साथ। ये जो है अभी ये वाला हम दरवाजा खोलते हैं और अभी यहाँ से भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो जैसे हम ये वाला दरवाजा खोलते हैं तो साथ में यहाँ पर रूम है, और ये वाला जो रूम है ये लेडीज के लिए होता है, यानी इस रूम में लेडीज को बिठाते हैं। जैसे आप मेन डोर से इंटर होते हैं तो साथ में यहाँ पर, जैसे कि ये मेल्स के लिए और ये वाला जो है ना ये लेडीज के लिए। ये देखें इस रूम के बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि मेन डोर के साथ कुछ इस तरह का सेटअप होता है सऊदियों का यहाँ का। यानी यहाँ का जो सेटअप है ना वो हमारे पाकिस्तान और इंडिया की तरह नहीं है कि जैसे अगर आपके गेस्ट आते हैं तो आप एक साथ बिठा देते हैं, ऐसा नहीं होता। कि जो गेस्ट होते हैं लेडीज उनकी अलग होते हैं इस रूम में, और जो उनके जैसे कि जेंट्स होते हैं वो इस रूम में होते हैं। तो इसमें भी सेम वही चीज है, कर्टन लगाना है। और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल हमारी पड़ी हुई है पुरानी वाली, वो भी हमने सेट करनी है, वो भी अभी तक सेट नहीं हुई क्योंकि हस्बैंड अभी बिजी होते हैं, मॉर्निंग में चले जाते हैं, काफी लेट आते हैं, तो बस उनकी वजह से अभी तक ये सेट नहीं हो पा रही। काफी चीजें जो हमारे घर में सेट नहीं हो पा रही। बस बर्थडे के दिन से ना ये सारे बैलून्स पड़े हैं, कमरा इतना प्यारा लग रहा है ना, बस मेरा दिल नहीं कर रहा कि हम ये डेकोरेशन उतारें। और ये देखें ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो बस ये हो गया हमारा कंप्लीट ये वाला रूम। तो जैसे हम इस रूम से बाहर निकलते हैं, सामने यहाँ पर मेरे प्यारे कुकू का घर है। हमारा प्यारा कुकू यहाँ पर है क्योंकि पूरे हमारे घर में विंडोज वगैरह, बच्चे विंडोज वगैरह खोलते हैं, इस वजह से ना हमने इसको यहाँ पर रखा है कि इसको सर्दी ना लगे। और वैसे तो हम इसे रात में पूरा कवर कर देते हैं लेकिन दिन में हम इसे यहाँ पर रखते हैं कि ये वाला जो एरिया है ना ये थोड़ा सेव है, यहाँ पर ज्यादा हवा नहीं आती। तो यहाँ से ये देखें ऊपर कुछ इस तरह से दिखता है, ऊपर नीचे मैं सब कुछ आप सबको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से अभी चलते हैं हम आगे की तरफ। तो जैसे ही हम यहाँ से इंटर होते हैं, मेरा मोस्ट फेवरेट डाइनिंग रूम है यहाँ पर। मेरा नहीं बल्कि हर किसी का ये मोस्ट फेवरेट होता है क्योंकि किचन साथ है, तो ज्यादातर जो हमारा बैठना उठना वो यहीं पर ही हो जाता है। मैंने यहाँ पर अभी छोटा सा एक मैट भी डाल दिया है जो की काफी हद तक इससे मैच हो रहा है। फ्रिज की अभी तक कोई सेटिंग नहीं हुई हमारी, ये देखें काफी सारी चीजें। इस वजह से मैं अभी होम टूर नहीं देना चाहती थी लेकिन बस आज मैंने सोचा कि नहीं बस अब दे ही देते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग रूम जो कि इस तरह से कुछ ऊपर से भी ये देखें इस तरह से दिखता है। अच्छा, यहाँ पर भी हमने लाइट्स लगवानी है और एसी भी सेट करवाना है, फ्रिज की भी सेटिंग करनी है, काफी सारी चीजें हैं। और यहाँ पर ये देखें कॉर्नर में मैंने एक प्लांट रख दिया है, यहाँ पर मुझे एक बड़ा प्लांट रखना है, ये छोटा है। अभी चलते हैं हम किचन की तरफ, किचन दिखाती हूँ मैं आप सबको। और ये रहा मेरा किचन जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा ज्यादातर टाइम, हर औरत का ज्यादातर टाइम जो है ना उसके किचन में गुजर जाता है और मेरा भी यहीं पर गुजरता है। मैं कहती हूँ कि मेरे किचन में हर चीज अवेलेबल
अवेलेबल हो। मेरा किचन बहुत खूबसूरत हो और मैं उसे हमेशा साफ सुथरा रखूँ। तो खैर ये है हमारा किचन जो कि अभी आप सब देख सकते हैं, जो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें जो भी टूटी फूटी नीचे से कैबिनेट जो है ये देखें अभी तक जो है ना ये सेट नहीं है। हस्बैंड ने कितनी बार सेट की भी है लेकिन सेट नहीं हुई। तो इस साइड पर जो है ना ये वाला कॉर्नर मैंने बनाया है जैसे चाय कॉफी इन चीज़ों के लिए। और यहाँ पर ये वाला कॉर्नर मैंने बनाया, यहाँ पर सारे मैंने मसाले वगैरह रख दिए, एयर फ्राई रख दिया वहाँ पर मैंने उस साइड पर। और बाकी यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना मैंने सेटिंग की है। अभी इसकी सेटिंग मैं करूँगी इंशाल्लाह, जैसे कि मैं पहले आप सबको बता रही थी रमजान से पहले। और इस साइड पे भी आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा किचन जो है ना वो कैसा दिखता है। तो बस अभी आप सबने ये मेरा किचन भी देख लिया। किचन में तो खैर मैंने लाइटिंग बहुत ज्यादा लगवा ली है, ये वाली जो दो लाइट्स लगवाई थी हस्बैंड से तो यहाँ पर अच्छी लाइट आती है। सर आप सबने मेरी वीडियो में भी चेक किया होगा, कहीं पर जो बहुत ज्यादा डल आ जाती है, कहीं पर ज्यादा लाइट आ जाती है, इस वजह से आ जाती है। हमारे पूरे घर की जो लाइटिंग है ना वो सही नहीं है। तो अभी हम आराम आराम से हर चीज में हमारी इम्प्रूवमेंट आ रही है, लाइटिंग में भी हर चीज में भी कोशिश यही, बाकी आगे आगे देखते हैं अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ये हो गया हमारा किचन, ये देखिए आप सबने डाइनिंग रूम। और यहाँ से अभी हम चलते हैं, ये है मेरे बच्चों का रूम, मोना का और मुस्तफा का, ये रूम है, ये भी मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ। इसकी लाइट्स खराब हो गई है, हालांकि जब हम आए हैं ना हमने सारी लाइट्स इसमें नई सेट करवाई है। और लाइटिंग का भी यहाँ पर कोई मसला है, किचन माशाल्लाह कैसे वहाँ पर बैठा हुआ। तो जैसे ही हम यहाँ से इंटर होते हैं वहाँ से भी इंटर होते हैं, सामने ये वॉशरूम है, ये वाला एरिया है, ये देखिए। हमारे पूरे घर में तकरीबन तीन वॉशरूम है, पहले ये वाला वॉशरूम है जो कि लिविंग रूम से भी अटैच है और मोना और मुस्तफा के रूम से भी ये वाला अटैच है। तो ये मोना ने इस तरह से ये अपने कमरे को डेकोरेट करके रखा हुआ है, ये चीजें जो भी है इसने खुद अपनी तरफ से मैनेज करके रखी हुई। यहाँ से अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ व्यू, यहाँ से हवा इतनी ठंडी आ रही है और व्यू यहाँ से देखिए इतना प्यारा आ रहा है माशाल्लाह। हमें दिखने को मिलती है जन्नत का पहाड़, जबले ओहद हमें यहाँ से दिखने को मिलता है। और इसके अलावा मेन चीज़ कि हमें यहाँ से मस्जिद नबी के मीनार भी दिखते हैं, लेकिन वो हमारी आँख से दिखते हैं, कैमरे की आँख से अगर मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ तो वो थोड़ा ब्लर हो जाते हैं। एक बार जब बारिश हुई थी ना तो मैं छत से मैंने आप सबको व्यू दिखाया था, तो वहाँ से मैंने वीडियो में कैप्चर किया था मस्जिद नबी के मीनार, मैंने आप सबको दिखाए थे। तो खैर अभी इसको करते हैं बंद, अभी इस रूम से निकलते हैं। अभी आप सबने देख लिया पीछे जो कि लिविंग रूम था, लिविंग रूम के साथ वॉशरूम और फिर मोना का और मुस्तफा का ये वाला रूम हो गया। और इसके अलावा पीछे से भी आप सब देख सकते हैं कि कुकू का है, कुकू की जगह और पीछे जो रूम थे वो भी मैंने अभी आप सबको दिखा दिया, किचन भी दिखा दिया, किचन के अलावा ये वाला डाइनिंग रूम भी दिखा दिया। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और आगे जो रूम्स हैं वो भी मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ। तमन्ना और हानिया का रूम ये देखें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर मैंने कॉर्नर में एक प्लांट रख दिया है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ सामान है नहीं, बस एक स्टैंड है यहाँ पर और एक वहाँ पे कॉर्नर में एक छोटी टेबल रख दी जो हमारे बेड के साथ की थी क्योंकि वहाँ पर नहीं आ रही थी, फिर मैंने यहाँ पर रख दी। ये हो गया इनका रूम ऊपर से ये देखें कुछ ऐसे। और यहाँ से अभी हम व्यू देखते हैं जबले ओहद का माशाल्लाह, ये देखें सामने हमारे जबले ओहद का व्यू आ रहा है, इतना खूबसूरत है। अभी मैं आगे से नेट हटाती हूँ तो फिर आप सबको दिखाते हैं। तो ये हो गया है यहाँ से बाहर का व्यू, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, इतनी ठंडी चल रही है, शाम का मौसम बहुत ही ज्यादा खुशगवार है। और यहाँ से ये देखें सामने मस्जिद सैयदुल शहदा है, ये जो मीनार नजर आ रहे हैं ना ये खजूरों के बीच में और गुंबद नजर आ रहा है ये मस्जिद सैयदुल शहदा है, यहाँ पर जंगे उहद हुई थी, यानी ये जंगे उहद का मकाम है माशाल्लाह। तो अभी इसको करते हैं हम बंद और यहाँ से चलते हैं आगे। जैसे अभी हम यहाँ से निकलते हैं सामने ये वाला रूम है जिसमें मैंने बच्चों की कबर्ड सेट की थी और बच्चे यहीं पर ही सोते हैं मैट्रेस नीचे बिछा के जमीन पे, तो यहाँ पर सोते हैं। ये देखें ये है कबर्ड इस रूम में, यहाँ से मैंने अभी आप सबको दिखाया कि साथ में एक वॉशरूम है। इस साइड पे तमन्ना का और हानिया का रूम है और साथ में ये वाला रूम है, ये कबर्ड वाला कुछ ऊपर से ये देखें यूँ दिखता है। इसका एसी जो है ना वहाँ पर काफी ऊपर लगा हुआ है, इसमें भी लाइटिंग कम है, इसमें भी लाइटिंग ज्यादा नहीं है। और यहाँ से अभी हम व्यू देखते हैं बाहर का, यहाँ से भी व्यू बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें सूरज के ग़ुरूब होने का व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है यहाँ से माशाल्लाह। तो अभी आप सबने देख लिया है पूरा घर, पूरा विजिट करवाते हैं, सिर्फ अभी एक रूम रह गया है जो मेरा रूम है, वो मैंने कहा मैं आप सबको लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पे मलाक सो रही है। अभी आप सबने देखा हो कि मलाक के रोने की आवाज नहीं है, मलाक शोर नहीं मचा रही, मलाक तंग नहीं कर रही, वो इस वजह से कि मैंने मलाक को सुला दिया था कि मुझे डिस्टर्ब ना करे ना इस दौरान। तो बस अभी चलते हैं मेरे रूम में, वो अभी आप सबको दिखाते हैं, मलाक भी सो रही है और मेरा रूम जो है वो लास्ट रूम है। अभी इस रूम से निकलने के बाद ये साथ ही हमारा रूम है।
अच्छा मैंने लाइट्स ऑन किया और मैं दोबारा से वापस आ गई क्योंकि अंधेरा था। अच्छा जैसे हम इस रूम में इंटर होते हैं ना तो सामने ये देखें काफी सारी जगह है यहाँ पर, वहाँ से तकरीबन रूम जो है ना शुरू हो रहा है जहाँ से ये चेयर दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पर साथ में है स्टोर रूम, तो इसमें हमारा काफी सारा सामान आ गया, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन काफी सामान इसमें हमने मैनेज कर लिया। यहाँ से अभी हम आगे चलते हैं, ये रहा वॉशरूम। अच्छा ये वाला जो वॉशरूम है ये तीसरा वॉशरूम है, पूरे घर में तीन वॉशरूम है। तो यहाँ से अभी मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, ये हो गया मेरा रूम और मलाक यहाँ पे सुकून से सो रही है, ये देखें। तो यहाँ पर बेड है, बेड के साथ एक छोटी टेबल है, उस साइड पे जगह नहीं थी इसलिए टेबल जो है ना मैंने दूसरे रूम में रख दी, तमन्ना और हानिया के रूम में। ये रही सामने ड्रेसिंग टेबल और इस रूम में जो है ना वो कारपेट है। यहाँ कोने से ना खड़ी होकर मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ इस तरह से दिखता है मेरा रूम, ऊपर से कुछ ऐसे, वहाँ से जैसे एंट्रेंस है रूम की, सामने वॉशरूम है और यहाँ से विंडो भी ओपन करके मैं अभी आप सबको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आराम आराम से करती हूँ कहीं मलाक उठ ना जाए। माशाल्लाह से पूरा जो घर है ना पूरा घर हमारा हवादार है और पूरे घर में विंडोज लगी हुई है, पूरे घर की विंडोज से व्यू इतना खूबसूरत आता है ना बाहर का, एकदम से देख के ना जैसे दिल दिमाग को सुकून आ जाता है ना वैसे ही आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे हम बाहर देखते हैं, तो घर के काम काज से फ्री होके बंदा थोड़ी देर आके यहाँ से विंडो से देखते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी थकावट ही उतर गई है हमारी। हमारे रूम से भी ना देखे इस तरफ का व्यू है, जब हम कोई खूबसूरत व्यू देखते हैं ना हम कहते हैं कि हरे भरे बागात हैं, पहाड़ हैं, नीला आसमान है, सूरज के गुरूब होने का व्यू था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से दिखती हैं और फिर माशाल्लाह की इतनी अच्छी चीजें कि जबल उहद का पहाड़, मस्जिद सैयद अल शहदा और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ, मैं जितना भी अल्लाह पाक से सजदे करूँ ना वो कम है। तो यहीं पर अभी हमारे होम टूर की वीडियो होती है एंड। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सबको अच्छा दिखा सकूँ, अच्छे तरीके से आप सबसे बात कर सकूँ। खैर देखते हैं कि अभी आप सबके कॉमेंट से ही पता चलेगा कि आप सबको कैसा लगा। इसी के साथ करती हूँ मैं वीडियो को एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सबने जरूर करना।